हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और अभी जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी तो मुझे एक बड़े मज़े की बात याद आई जो मैं आप सबसे शेयर करूँ। मुझे अभी थोड़े दिनों पहले मेरे अपने सर्कल के बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश रीडिंग करती हो। तो मैंने कहा क्यों भाई, सेल्फिश रीडिंग क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ अपने व्यूअर्स की बात करती हो, तुम पार्टनर्स की रीडिंग नहीं करती, तुम उनके फीलिंग्स की बात नहीं करती, और तुम ये नहीं बताती कि लव रिलेशनशिप में क्या होगा और वो क्या सोच रहे हैं और वो उसका नेक्स्ट है। मैंने उनसे सिंपल ये कहा कि वो कुछ भी कर रहे हों, वो कुछ भी करें, वो बात की बात है, आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए। और उन्होंने एंड में ये बात एडमिट भी की। दरअसल होता ये कि ये सोच के तुम्हारी रीडिंग्स देखते हैं कि शायद तुम पर्सन के बारे में कुछ बताओ, लेकिन एंड में तुम ऐसे डिटेल बता देती हो कि फिर होता है हाँ भाई यार बात तो आखिर में बिल्कुल सही कही है। तो मैंने उनसे यही कहा, देखिए सबसे पहली तबलीग कह लें या सबसे पहली इसलाह कह लें आप, या सबसे पहला करेक्शन जो होता है वो आपकी अपनी खुद की ज़ात होती है, सही है ना? तो जब मैं ये टाइटल थंबनेल में मैंने लिखा कि भाई आप वो, ये बहुत होता है, वो मुझे मिस करते हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, आप सबसे पहले अपने बारे में जानें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको क्या गाइडेंस चाहिए। तो उसी की बेसिस पर मैंने आज की रीडिंग सेट की है, और वो ये है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से एक्चुअली क्या चाहते हैं। जबकि बहुत सारी बातें आपको पता भी होती है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूनियन चाहते हैं, लेकिन उस यूनियन में आपको पता नहीं चल रहा कि उस साइड की पिक्चर है क्या, तो वो इस तरह की रीडिंग्स में पता चलता है, ठीक है ना? और फिर हम बाज़ दफ़ा ब्लेम गेम में आ जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा विक्टिम बनाने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि 9 और 6 पर्सपेक्टिव जो होता है, जो परसेप्शन होता है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आज ओशोज़ डेक निकाले हैं और मैंने ये टैरो ऑफ ड्रीम्स निकाला। ये मुझे बड़ा खूबसूरत डेक लगता है, इसके बड़े ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस हैं इसकी। लेट्स सी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर। ओ माय गॉड, बड़े उड़ के कार्ड निकल रहे भाई। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, कार्ड आ गए हैं धड़ाधुम धुंधड़ाधुम, अरे 6 कार्ड्स आ गए, चलो आखिर में तो आप लड़ाई चाहते हैं। 3 of coins, 6 of wands, 9 of swords, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, गॉट इट, 4 of wands, चलें। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सेजिटेरियस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस लियो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। और फिर आ गया जनाब हमारा टावर साहब आ गए। टावर है। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, क्लियरली बताऊंगी, ठीक है? दिल थाम के सुनिए। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, आर या पार, और अगर आर पार नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, यही दो चीज़ें हैं, ठीक है? किस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में ही रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम XYZ, अपार्ट फ्रॉम मोहब्बत, चाहत, अफेयर, किशी पिशी, शुशु शुशु, शापा शापा, जो कुछ भी, उसके अलावा जो आपने अपने साल दिए हैं ना अपने पर्सन को, उसमें अब आप ये चाहते नहीं हैं कि ये दूध बन गया है उसकी बलाई खा लें, ठीक है ना? आप सब कुछ पक गया है और ग्रेवी लेकर चले जाएं, नो, यानी चेरी ऑन द केक वाला मामला आप नहीं चाहते। तो पार्टनरशिप आप चाहते हैं, और वो पार्टनरशिप आप इसलिए चाहते हैं कि भाई हम कोई आड़े तिरड़े टट्टू टेढ़े नहीं थे, हम पागल नहीं हैं जो इतने साल हमने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के लगाए। अगर तुम अब अपनी लाइफ के किसी एक मकाम पर हो तो इस मकाम पे पहुंचने में हमारा बहुत कुछ लगा है, और वो बहुत कुछ क्या है, आपका, आपकी अटेंशन, आपके इमोशंस, आपका टाइम, आपके साल, तो ये चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप उनके साथ हर उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं जिसमें वो लाइफ का प्रोजेक्ट हो सकता है,
वो फैमिली की बिल्डिंग हो सकती है, वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो उनकी फील्ड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, बट यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. आप उनको आसानी से छोड़ने वाली मखलूक है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं. वजह एक तो ये कि जब कभी भी आप अगर डिटैचमेंट का सोचते हैं तो ये पर्सन खुद एक ऐसा बाउंस बैक करते हैं कि फ़ौरन क्लैरिटी के साथ ये आपकी आपके पास वापस आते हैं, बिकॉज इनको मालूम है कि ये आपके साथ डिसकनेक्टेड हो ही नहीं सकते, लेकिन ये शो नहीं करते. क्यों? क्योंकि एक तो आप दोनों जो है ना थोड़े से हेड स्ट्रॉन्ग हैं, ये मैं आपको बता दूँ. आपको पता है आप अपने अंदर इट्स सेल्फ एक वॉरियर है, आपने इनको बड़ा तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और ये केज्ड हैं, ये बिल्कुल आप समझ ली केज्ड हैं शादी को लेकर, आपकी मेंटल मेंटालिटी को लेकर ये बिल्कुल केज्ड हैं. इनको लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा सही पार्टनर मुझे संभालने वाला कोई नहीं हो सकता. तो आप इनसे क्या चाहते हैं? आप इनसे चाह रहे हैं कि अब बेटा जितना भी तुमने तांडव फैलाना था वो हो गया, अब ज़रा आ जाओ यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन में आओ, क्लोजर दो, बिकॉज बहुत कुछ हो गया. अब अगर सब कुछ होने के बाद तुमने राह फरार इख्तियार की तो ऐसा होगा नहीं. अभी मैं और कार्ड्स देखूंगी, क्योंकि अगर इन्होंने निकलने की कोशिश की तो टावर मोमेंट्स तो साफ लगा रहा है आप इनकी बुनियादें हिला देंगे. तो ये कोई थ्रेट नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन आपकी रीडिंग पार्टनरशिप से स्टार्ट होकर, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होकर, कोलीगशिप पे स्टार्ट होकर, वर्किंग रिलेशनशिप से स्टार्ट होकर अगर फोर ऑफ वॉन्ड्स पे आ रही है तो इसका मतलब है कि इस पर्सन ने आपके साथ या तो ये आपके कॉलीग हैं, आपके बॉस हो सकते हैं या आप इनके बॉस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि वर्क प्लेस से स्टार्ट होते होते लाइफ के अंदर सारी चीज़ें प्रोग्रेस हुई और प्रोग्राम हुई, और उसके बाद बिल्कुल क्लियर ये लग रहा है कि ना बेटा ना ऐसे नहीं जाने देंगे, बहुत कुछ दिया है तुमको तो अब तुमने पलट कर हमें देना है. और किस फॉर्म में देना है? ऑफिशियल कमिटमेंट की फॉर्म में. शादी करो, मंगनी करो, रिश्ते को ऑफिशियल करो, या लोगों को बताओ कि तुम और मैं पार्टनर हैं, तुम्हें जितने साल चाहिए तुम लो और जितने साल तक मुझे वेट कराना है करो, बिकॉज अगर ये नहीं किया तो मैं खुद तो जाऊं ही जाऊं, नीचे से ऐसी ज़मीन खींच कर लेकर जाऊं कि फिर उड़नचू कारपेट पर उड़ दे. ठीक है, टावर मोमेंट आ रहा है, पैलेस ऑफ ये एडिशनल वॉन्ड है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स. दैट मीन्स आप इनसे ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप इनसे दो टोक बात करना चाहते हैं और आप कम्युनिकेशन को भी ओपन रखना चाहते हैं. आप कभी भी नहीं चाहते कि इनसे बिल्कुल कम्युनिकेशन कट हो जाए, सिरे से नहीं चाहते. आप चाहते हैं कि हमने जितने साल एक दूसरे को दिए हैं, इस साल में जो कुछ भी जमा जोड़ किया, जो कुछ भी कमाया, जैसा भी बनाया, अब अकेले सक्सेस को नहीं गुजारने दिया जाएगा. अब सब कुछ करना है तो साथ करना है, बिकॉज आप देखें पार्टनरशिप स्टार्ट हुई स्ट्रेंथ के साथ, सक्सेस स्टार्ट हुई किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, यानी ये बंदा इस फॉर्म में आया है, ये बंदी इस फॉर्म में आई है, और अब जो सक्सेस आगे बढ़ रही है, जोश, वलवला, सक्सेस, फेम, जो कुछ, उसको ऑफिशियल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर वक्त एक स्नीक पीक वाले मामले में नहीं होगा. कभी कभी आपको लगता होगा कि यार तो बस बहुत ही हो गया, अब तो मेरा अब मुंह खोला तब मुंह खोला, बिकॉज इसीलिए जो है ना एट ऑफ वॉन्ड्स टावर के नीचे आ रहा है, जो मैंने बात कही कि आप इनसे एक्चुअली चाहते हैं कि चीज़ों को ऑफिशियल करो. सही है, लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके जहन में इनके लिए क्या चलता है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम, क्या चाहते हैं आप इनसे. शेयरिंग, सही, न्यू विजन, वी आर द वर्ल्ड, और देख लेती हूँ, ऑर्डिनरीनेस, सेलिब्रेशन, लेटिंग गो. ऑलराइट, दोनों डेक में से एक ही तरह की बात निकली, वहाँ पे भी सब कुछ होने के बाद टावर आ गया और यहाँ पे भी सारे कार्ड्स निकलने के बाद आखिर में लेटिंग गो आ गया. यानी कि आप वही वाली बात, मैं दोबारा कहूँ, आप इनकी लाइफ की अचीवमेंट का हर तरीके का पार्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि ये जो कुछ भी किया ये एक प्लानिंग हुई थी, हमने वर्क किया है, हमने एज अ टीम काम किया है, हमने एज अ कपल काम किया है, हम तुम अकेले मैं अकेले वाला मामला नहीं है, हम दोनों साथ में थे, दोनों मिलकर हमने अपनी किस्मत बदली है, दोनों ने मिलकर इस मोमेंट को अचीव किया है, दोनों ने मिलकर इस रोल को अचीव किया है, इस पोजीशन को अचीव किया है, तो अकेले नहीं. और ऑर्डिनरीनेस, आपको ये मालूम है कि आप बहुत आसानी से बिल्कुल स्क्रैच से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप जो है ना थोड़े से फाइट मोड में हैं, आप इस वक्त थोड़े से अपना राइट यूज़ करने वाले मोड में हैं. आप मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो हैं वो क्या उसको कहते हैं ना कि किया किसने और मज़े कोई और लेकर चला गया. नो,
आपने मेहनत की है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने इंतज़ार किया है, आपने अपना साथ दिया है, आपने अपना वक्त दिया है, तो आप ही डिज़र्व करते हैं। आप थोड़े से इस वक्त कंट्रोलिंग वाले मोड में हैं और आप तमाम चीज़ों को, जिस वक्त फेम के साथ सेलिब्रेशन चल रही है, आप यही सोचते हैं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने जब इतनी सर्विसेज दी हैं, मैंने जब इतना सब कुछ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, तो नो। एंड इफ़ गॉड फॉरबिड इफ इट विल नॉट हैपन इन दिस वे, यू आर गोइंग टू लीव द पर्सन राइट ऑन स्पॉट। और छोड़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, वही आप इनको बिलीव करवा देंगे और ऐसे पोजिशन पर ला कर छोड़ देंगे कि ये बिल्कुल सोचेंगे कि क्या हो गया, लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही, लाइट कहाँ गई, लाइट लाइट लाइट, सी नो नथिंगनेस, कुछ नहीं, सिंगल सपाट। एंड देन आप इनको बावर करा देंगे कि कदर नहीं की नाउ भुगतो, बिकॉज मैं एक लाइफ चेंजर, गेम चेंजर बनकर लाइफ में तुम्हारी आई थी या तुम्हारे आया था, नहीं मेरी वैल्यू की, नहीं मेरी कदर की, अब भुगतो, वही जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से स्टार्ट करो, एंड देन यू आर गोइंग टू डू दिस। तो ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से अपना राइट चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि नहीं मैं हूँ साथ में, मेरे साथ ही सब कुछ होगा तो होगा, वरना तो तुम्हारी असकता से आसिकता से। ठीक है, लेट्स सी कि आप अपने पार्टनर से कहना क्या चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट यू वांट फ्रॉम देम, आप उनसे क्या चाहते हैं, और फिर आप जब ये सब कुछ चाहते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या दिल करता है आपका कि आप उनसे कहें, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, तड़ी लगाई भी है आपने, हम दोनों जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आपने इनको रखा हुआ है भाई उस एज पर कि किसी भी वक्त किक हो सकती, पता नहीं क्यों, आई नो यू नो सब कुछ नो निकल रहा है, लग रहा है आप ये बहुत सारी चीज़ें उनको बोलना चाहते हैं, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, टावर मोमेंट की बात आई है तो यकीनन देखिए प्राइड में मत आए, तकब्बुर में मत आए, साथ दिया है, साथ निभाया है तो ग्रैटिट्यूड के साथ, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं उसी तरह से महसूस करना चाहता, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें तुम्हारी याद दिलाती हैं, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, अपने आप को काम में मसरूफ कर दिया है ताकि याद ना, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, ये तो बहुत ही यूनिक सी बात आई है, मुझे नो कॉन्टैक्ट अभी तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन शायद ये वो सारी बातें हैं जब आप सोचते हैं कि अगर आपने इनको छोड़ा तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट सी क्विक सी मैंने रीडिंग की कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, ये सब कुछ नज़र आया है, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में स्पैमर्स का बताया था, प्लीज़ उसको मेरे एंड पर रिपोर्ट कर दीजिएगा, मैं बहुत सारे मैसेजेस के रिप्लाई में, वो स्पैमर्स जो होते हैं वो एक के साथ पाँच पाँच उनके हर रिप्लाई के नीचे आ रहे होते हैं, और कोई खातून है या कोई साहब है वो हर किसी को टैग करके उनको ये बता रहे हैं कि सोल्यूशन है मेरे पास आपके मसले का, तो प्लीज़ वो मैं नहीं हूँ, मैं किसी को रिप्लाई करती हूँ तो डिवाइनली गाइडेड का टैग आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, और मैं जब तक अपने ही नंबर से आपको रिप्लाई ना करूँ तो समझ जाएगा मैंने रिप्लाई नहीं किया। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।